Good morning guys, myself Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today I'll be discussing about AFCAT examination whichever has been conducted. आज जो 3 तारीख को examination हुआ है उसमें जो भी questions दिए गए हैं, जो भी shift वहाँ पे आज जो हुआ है, जैसे first and second shift का जो भी questions है, maximum questions मैंने cover किया गया है. आप लोग if you want first shift you can directly go through the playlist, you will find that. So आज देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सवाल पूछा गया है. एक ऐसा सवाल था कि कोरोना वायरस कंसर्निंग एक सवाल आया करके कह रहे थे, तो आई डोंट नो वेदर इट हैज़ कम आर नॉट, बट इट इज़ फ्रॉम वुहान, चाइना से आया हुआ है. अगला पूछा है लियांडर पेस जो है किससे संबंधित खिलाड़ी है. हम तो जानते हैं लियांडर पेस के बारे में, ये टेनिस प्लेयर है जो कि काफ़ी फेमस है. आप जानते हैं लियांडर पेस और महेश भूपति दोनों टेनिस का खिलाड़ी, जो कि लारा दत्ता को जिसने शादी किया उसका नाम महेश भूपति. अगला देखिए प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग मौर्यन टाइम. मौर्यन टाइम में उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी. वो लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर वहाँ पे वो लोग मेन ऑक्यूपेशन कह सकते हो उनकी. और हु इज़ द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य. इंटरनेशनल डेट लाइन जैसे कि आप जानते हैं 180 डिग्रीज मेरिडियन को हम कहते हैं, 0 डिग्रीज को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं जो कि लंदन के थ्रू पास होता है. और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, दिस मोस्टली रनस थ्रू द स्पार्सली पॉपुलेटेड सेंट्रल पैसिफिक ओशन. इट वॉज डिसाइडेड एट द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस इन 1884. इसको 1884 में ड्रॉ किया गया है, कहाँ पर, वाशिंगटन DC में. और इसमें 26 कंट्री जो भी है अटेंड किए गए थे उस टाइम पर. किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और इन्होंने द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, दोनों किताब इन्होंने लिखा वो है नेल्सन मंडेला. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ये दोनों नेल्सन मंडेला ने इस किताब की रचना की गई है. अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए ऊपर का दिए हुए आई बटन में जाइए आपको, या नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं. अलग अलग आपको 1200 वीडियो देखने को मिलेगा, कम से कम 50 प्लेलिस्ट. आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत अच्छा ऐसे ही समझाया गया है, आप लोग उसको एक बार नज़र डालिए, जिसने नहीं देखा पछताओगे. चलिए अगला क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. जैसे कि हम लोग 1947 जो है फरवरी में लॉर्ड माउंटबेटन जो है जो कि गवर्नर जनरल कह सकते हैं उस टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे. और आप लोग जानते हैं लॉर्ड कर्जन जो है जिसने 1905 में जिसकी पार्टीशन के टाइम पे बंगाल डिवीजन के टाइम पे वो था. और हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस पार्टीशन के टाइम पे कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन. और लेजेंड ऑफ हॉकी जिसको हम मेजर ध्यानचंद कह सकते हैं, ये लेजेंड ऑफ द हॉकी या हॉकी विजार्ड कह सकते हैं, दोनों इसका नाम है, लेजेंड ऑफ हॉकी या हॉकी विजार्ड, ये जादूगर कह सकते हैं. और जो डबल फॉल्ट है, मैंने जैसे कि सुबह बताया था डबल फॉल्ट एक किसके संबंधित, गेम के संबंधित, जैसे कि टेनिस में आपको डबल फॉल्ट एक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलता है. और मेडन पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था, जैसे कि हैमिल्टन यानी कनाडा में, जो जगह का नाम है हैमिल्टन, 1930 में इनकी शुरुआत हुई थी जो कि पहला कॉमनवेल्थ गेम्स. अब बात आता है नाइजीरिया का पहले क्या करते थे, जैसे कि ऑफिशियली नेम्ड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया इज़ ए डाइवर्स वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, निक नेम्ड द जियंट ऑफ अफ्रीका. नाइजीरिया इज़ होम टू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज, लैंग्वेज एंड बटरफ्लाई स्पीसीज. तो आप लोगों को जो भी है फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया जो कि इसका ऑफिशियल नाम है. अब उन्हें क्या दिया था, आप लोग आपकी जो भी एग्ज़ाम दिया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से थोड़ा मुझे अपना कमेंट्स में या मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. गोंडवाला लैंड जैसे कि सुबह के सेक्शन में देखा है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश के अंदर, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूयॉर्क में देख सकते हो 1945 24 अक्टूबर को इस्टेब्लिश किए गए थे. दास कैपिटल किताब का कार्ल मार्क्स ने लिखा था, द बुक किताब उल हिंद किसने लिखा था, अलबरूनी ने इस किताब की रचना की गई थी. पंजाब केसरी यानी लाला लाजपत राय आप जानते हैं, जिनको हम शेर ए पंजाब भी कहते हैं, दूसरा नाम है ये पंजाब केसरी उसी को कहते हैं. लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल. फर्स्ट पर्सन टू हिट 6 छक्के हर्षल गिब्स जो है इन्होंने मारा था. उसके बाद T20 में किसने मारा, युवराज सिंह जो कि आप जानते हैं. हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो कहाँ पर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, सिवन है. और ये बेंगलुरु में देखने को मिलता है. ऐसी कौन सी फोर्ट है जिन्होंने अकबर बिल्ट नहीं की थी, वो के ग्वालियर का फोर्ट इन्होंने नहीं किया, जबकि मान सिंह आप जानते हैं उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन किया था. पर आप लोग
टॉम्ब ऑफ इम्यून ले लो या बुलंद दरवाज़ा जैसे कि फतेहपुर सीकरी में है, वो उन्होंने अपना जो भी अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया था, और जमा मस्जिद भी। वॉट अट्रैक्टेड इस्लामिक इन्वेडर इन इंडिया, इस्लाम जो इन्वेडर आए थे इंडिया में क्या रीज़न की वजह से, भाई बहुत पैसा था, इकोनॉमी और हेरिटेज एंड वेल्थ बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से इस्लाम इन्वेडर्स इंडिया में आने का मेन मकसद है। और हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ह्यूमिडिटी जो है हाइग्रोमीटर होता है और हाइड्रोमीटर डेंसिटी के लिए होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर जो भी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी HG जो भी है स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। डेंगू डे जो है 16 मई को मनाया जाता है, और जो भी चिप्स कंप्यूटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो सिलिकॉन चिप्स है। एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग क्वेश्चन पेपर आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं किस हिसाब से अलग अलग किया हुआ है। आप लोग उसमें प्लीज़ ज़रूर जाइए और झांकिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला जो है 1990 में वेब ब्राउज़र किसने बनाया था, जिन नेक्सस है जिन्होंने 1990 में बनाया था। मोबाइल फ़ोन इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल बैंक वॉज मेड बाई ICICI कह सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस बैंक ने सबसे पहला डिजिटल बैंक उन्होंने स्टार्ट किए गए थे। मीन्स एक ऐसे पूछा गया था कि मीन्स का मतलब क्या है, मीन्स यानी पोलाइटली होता है, क्रम्ब होता है, और हाइड्रोकार्बन के कंसर्निंग एक ऐसा सवाल था। और 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऐसे कौन सी वायसराय हमारा रूल करते थे, उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग वाज द वायसराय ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात आता है स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ऑलरेडी स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी आ चुके हैं, आपको पक्का ये आएगा ही, देख लीजिएगा जो जो लाल दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायमंड जो है बेसबॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और आप लोगों को देखने वाली जैब बॉक्सिंग में गैम्बिट और ड्रिबल कैडी बंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग एक बार नज़र डाल दीजिएगा। और जो भी नंबर ऑफ प्लेयर्स है, 5 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल टीम में, उनका अलग नाम से बुलाते हैं, वो नाम भी क्या है वो क्वेश्चन आया था, वो देख लीजिएगा अगला जो स्लाइड्स में। और जैसे कि ग्राफाइट आप जानते हैं, कोल डायमंड एंड पर्ल दिया गया था, इनमें से जो ऑड है वो पर्ल है, जो कि हम लोगों को मोलस्का के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है, बाकी ग्राफाइट कोल डायमंड धरती में मिलता है, ये पर्ल जो है मतलब जिसको मोती कहते हैं आपको शेल के अंदर देखने को मिलता है। और वायरस जो स्टडी होता है वायरोलॉजी कहते हैं, सिमेंटिक्स जो होता है वो लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं, और 30% ऑफ 6500 बहुत ही आसान है आप कर सकते हैं। और सल्फर जो है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आप जानते हैं, और आयरन जो है कार्बन, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, और क्लोरीन जो ब्लीचिंग है इसमें से जो भी सही है जो भी है इसके अंदर आपको देख सकते हो, क्लोरीन ब्लीचिंग दिया गया है, बल्कि ये है ऑड वन है। जैसे कि टर्मिनोलॉजी देखिए किस हिसाब से दिया गया, पोल बाई कोको में होता है, बंकर ड्यूस और हीव, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोग इसको गौर से जान दीजिए। अगला दे है फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, जैसे कि एक यहाँ पे दिया हुआ है ओटो वान बिस्मार्क करके, अभी आप लोग जो भी इसका सही आंसर है आप लोग मुझे खुद ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फादर ऑफ जर्मन यूनिटी कौन है, ओटो वान बिस्मार्क है या कोई और है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मॉन्यूमेंट ऑफ अशोका वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय, अशोका जो है जैसे कि नीचे दिया गया सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है, और धमेक स्तूपा उत्तर प्रदेश में है, अशोक स्तंभ लुम्बिनी में है, महाबोधि टेम्पल बिहार में है, बराबर केव्स बिहार में ही हैं, और भरूत स्तूपा, ये सब चीज़ें अशोका ने बनाया था। अब ऑप्शन में क्या नहीं बनाया था वो पूछा गया है, अभी मुझे नहीं पता, जो भी स्टूडेंट दिए गए हैं उनसे आप लोग रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं सर था क्या, आप लोग अगर कमेंट और मैसेज करने से क्या होगा मेरे मोबाइल पे करना है कर सकते हैं, नहीं तो इसी सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें और मैं मैक्सिमम आप लोगों को बता सकूं। और मिसाइल रिसेंट जो कि रिसेंटली बिल्ड किया मिसाइल वो क्या है, Agni-5 जो कि आप जानते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल है, जो कि 10 दिसंबर 2018 को बनाया गया था, और मेड इन आफ्रो एशियन गेम्स वर हेल्ड इन, जो भी आफ्रो एशियन गेम्स है सबसे पहला आफ्रो एशियन गेम्स कहाँ पे इसको स्टार्ट किए गए थे, 2003 में हैदराबाद में इसको स्टार्ट किए गए थे। अब बात आता है मेड इन सार्क फुटबॉल वॉज हेल्ड एट, जो भी सार्क फुटबॉल हुआ था सबसे पहला वो कहाँ पे हुआ था, लाहौर के अंदर आपको ये फुटबॉल देखने को मिलता है। और ब्लू एंड लाइट अरोरा इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ रिलेटेड टू द लेयर दैट इज़ आयनोस्फीयर, जो भी ब्लू एंड लाइट अरोरा है ना जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है वो कौन सा लेयर में, आप जानते हैं ट्रोपोस्ट्राटो और आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में आपको ये देखने को मिलता है। हवा आइलैंड कहाँ पर देखने को मिलता है, अमेरिका में,
ये हवा आइलैंड देखने को मिलता है। अब ऑप्शंस में क्या दिया था आप लोग मुझे बताइएगा। द सोर्स ऑफ टर्म फेडरेशन, जो भी टर्म फेडरेशन है उसका सोर्स क्या है, जैसे कि ऑरिजिन अर्ली 18th सेंचुरी मीन्स टू अलाई फेडरेशन स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड आउट ऑफ द रीजन्स ऑफ प्रीवियसली यूनिटरी स्टेट्स। सो जो भी यहाँ पर दिया गया है, इस फेडरेशन यानी अलाई होता है, जो भी फेडरेशन स्टेट्स में यहाँ पर 18th सेंचुरी में इसको ऑरिजिनेट किया गया है। जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था फ्रेंडशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रशिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और मेडन ऑयल मिल जो कि इंडिया में आप देखने को मिलता है, दिग्बोय असम में, कामाख्या टेम्पल है वहाँ पर, और साथ में आप काजरहो भी देखने वहाँ पर काजीरंगा देख सकते हो। और दिग्बोय एक ऐसी जगह जहाँ सबसे पहला ऑयल मिल एस्टैब्लिश किए गए थे। अवॉक्स के बारे में एक सवाल था, एयर बॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो कि बोइंग 707 एयरक्राफ्ट है, जिसको हम लोग लॉन्ग रेंज रैडर सर्वेलेंस के लिए हम लोग यूज़ किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों अवॉक्स। अब बात आता है टोडरमल, जैसे कि अकबर दरबार के अंदर आप देख सकते हो राजा टोडरमल वॉज द फिनेंस मिनिस्टर था पहले वो, और मुगल एम्पायर के टाइम पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर वो नवरत्नास के अंदर एक मंत्री था वो। अब बात आता है अंग्रेजी की, जैप यानी अनहिलेट होता है, डिस्ट्रॉय करना, किल होता है, एक्सटर्मिनेट होता है, एक्जोनरेट यानी फॉरगिविंग ऑब्जॉल्व होता है, और उसका अपोजिट जो होता है पनिश हो जाता है। फ्रेंड फ्रेंडली मैनर होता है, जैसे कि एडजेक्टिव है मदर मदरली एडजेक्टिव। पिल्फर यानी जो उछक्का होता है, जो छोटे छोटे चीज़ें चोरी करता है, जैसे कि वो शॉप में चला गया धीरे से अपना जेब में डाल लिया, तो वो सब छोटे छोटे चीज़ें चोरी करता है, वो बड़े बड़े चोरी नहीं करता, छोटे छोटे उछक्का है। और मिटिगेट यानी कम करना या अलिविएट करना होता है, अग्रवेट यानी उसको बढ़ाना होता है, जैसे कि उकसाना कह सकते हो। और लूसियस यानी डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी होता है, और अपोजिट अगर देखा जाए वैपिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस पर गौर करिएगा। वैंक्विश यानी किसी को डिफीट करना या हराना, और उसका क्वाइट अपोजिट आप जान सकते हैं, डिफीट का अपोजिट क्या है, किसी को डिफीट कराना, और लूज होता है काफ़ी लॉस होना, तो अपोजिट देखना वहाँ पे। फ्लाई ऑफ द हैंडल इडियम्स देखा जाए, लूज वंस टेम्पर, कोई भी बंदा गुस्सा होकर अपना टेम्पर को खो बैठता है, उसको फ्लाई ऑफ द हैंडल कहते हैं, मतलब अपने हाथ से छोड़ चुका है, मतलब अपने लूज टेम्पर। सिनोनिम ऑफ वेंट, सिनोनिम वेंट जो है यानी कि एस्केप होता है, वेंटिलेशन आप जानते हैं, ओपनिंग होता है, आउटलेट होता है। फ्लिमजी यानी फ्रेजाइल होता है, काफ़ी वीक होता है, आप फ्रेजाइल तो जानते हैं कैसे होते हैं, काफ़ी वीक होता है वो। और कंडेंस यानी किसी को शॉर्टन करना, और उसका ठीक अपोजिट जो है एक्सपैंड करना होता है। क्रिस इवेंट इज़ रिलेटेड टू द स्पोर्ट, क्रिस एवर्ट जो बंदा है वो किसका कंसर्निंग है, टेनिस का खिलाड़ी कह सकते हो क्रिस एवर्ट। और नो हेयर ऑन स्कैल्प, जिसका कोई स्कैल्प में बाल नहीं होता उसको बार्ड कहते हैं, गंजा। और ब्रदर को ब्रदरन प्लूरल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली रवि प्लेस क्रिकेट बट आल्सो कबड्डी, ये नॉट ओनली एंड बट आल्सो का एक रिलेशन था। अफ्लुएंट यानी वेल्दी होता है। वैंक्विश यानी किसी चीज़ को टू कंक्वेयर, जीतना, हासिल करना। अगर कोई भी डाउट्स है प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल। आप ही लोगों के लिए बनाया 1200+ वीडियोज़ इसके अंदर देखने को मिलता है, अंग्रेज़ी का तो 100 से ज़्यादा आपको वीडियो देखने को मिलेगा, प्लीज़ जाइएगा, ये आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिटेरियन सी जो है आप देख सकते हो कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में इस मेडिटेरियन सी को आप देख सकते हैं। द मेडन नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया, जिसे कि जिम कॉर्बेट आप जानते हैं, जो कि इंडिया में सबसे पहला पार्क जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंदर आप बंगाल टाइगर देख सकते हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बंगाल टाइगर जहाँ भी है ये कहाँ पर उपस्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सालारजंग म्यूज़ियम आप जानते हैं कहाँ पर उपस्थित है, हैदराबाद के अंदर। ये सालारजंग म्यूज़ियम काफ़ी बढ़िया है, जिसके अंदर काफ़ी एंटिक पीसेस देखने को मिलता है, इवन हैदराबाद को पर्ल सिटी भी कहते हैं। IPL इस बार जो 2020 का जो 13वां होने वाला है वो कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि कतार में, जैसे कि दुबई UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये गेम हो रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अडॉप्ट किए गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नज़रअंदाज ना करिए, देर ऑल विच आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड द स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू गाइस, इतना कम टाइम में आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा टू लुकिंग ऑल द वीडियोस, सो यू बेटर गो थ्रू व्हाट आर द वीडियोस हैव बीन गिवन इन दिस। इंडियन नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। द इक्वेटर डजंट पास थ्रू द कॉन्टिनेंट, ऐसी कौन सी कॉन्टिनेंट जो है इक्वेटर पर टच नहीं करता, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है जो कि आप देख सकते हो जो इक्वेटर पर टच नहीं होता है, जो भी दिया गया था ऑप्शंस में डिपेंड करता है उस पर। द प्लेस इन विच मैक्सिमम सनलाइट, आप देख सकते हो मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पर दिसंबर में देखने को मिलता है इंडिया में, आप कन्याकुमारी के अंदर ये देखने को मिलता है, जो कि आपको फिल कर लीजिएगा। यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर्स इसका कहाँ पर है,
जैसे कि आप देख सकते हो हेडक्वार्टर्स इसका न्यूयॉर्क में देख सकते हो। फादर ऑफ जर्मन यूनिटी, जैसे कि मैंने बताया था हेलमट कोल, ये गलत है। आप लोग इस बिट का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा हु इज़ द फादर ऑफ जर्मन यूनिटी। और वियन्ना इज़ द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल था? ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियन्ना। कैनबेरा जो है ऑस्ट्रेलिया का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक स्लोगान आया था, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, इसका स्लोगान जो है सुभाष चंद्र बोस का, और साथ में दिल्ली चलो और जय हिंद भी इन्हीं का था। अब बात आता है दिल्ली बिकेम द कैपिटल, कब दिल्ली कैपिटल हुआ था इंडिया में? 1911 को हुआ था। लाइटेस्ट गैस क्या है? हाइड्रोजन, बट अमोनिया वाज गिवन। जो भी दिया गया था लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन होता है, अब दिया क्या था मुझे नहीं पता, आप लोग खुद ही बताइएगा। फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट, पहला सार्क समिट जो है 7 और 8 दिसंबर को 1985 में इसको स्टार्टअप किए गए थे, सार्क समिट, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। द एलिमेंट फाउंड इन बोन, जो भी बोन है हमारे अंदर उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट। पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कौन है? जैसे कि थंट, उमाकांत थंट जो है सबसे पहला एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो। कैपिटल ऑफ कनिष्क, कनिष्क का कैपिटल जो है पुरुषपुरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी। अब बात आता है रीजनिंग की, कंट्री को हेड करता है प्रेसिडेंट, और स्टेट को सेम उसी तरह गवर्नर होता है, अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दिया जाता है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर देना होता है, बस यही फ़र्क है। और 14-2 8 होता है, 14-4 10 हो जाता है, सेम 24-13 विल बिकम 11। स्कूल का प्रिंसिपल और सिंगर कोर्स आर्टिस्ट ट्रूप होता है, जैसे कि सिंगर लोगों को सब मिलने के कोर हो जाता है, यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल गलत है। अब बात आता है गैलन लीटर, ये सब अलग है, टन्स जो है मेजर ऑफ किलोग्राम्स है। अब दिया गया है ऑल मेन आर वुमेन, तो मेन जो है अंदर है, वुमेन के अंदर। अब दे आर नॉट इंजीनियर्स, तो एक ऐसे कुछ रिलेशन था जो कि आपको रीजनिंग में आपको बताना पड़ेगा। अब मैथमेटिक्स में भी परसेंटेज कंसर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में दिया गया है, आप लोग प्लीज़ इस पर गौर करिए। आपको तकरीबन पिछला 2 साल से मैंने मेहनत किया, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट, 1200 से ज़्यादा वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, जाके देखिएगा। आपसे सवाल था कि चंडीगढ़ सिटीज़ को किसने डिज़ाइन किया था, जैसे कि फ्रेंच आर्किटेक्ट है, उसका नाम ली कार्बूजियर है। चंडीगढ़ द ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू वॉज प्लान्ड बाई द फेमस ली कार्बूजियर, पिक्चरस्कली लोकेटेड एट द फूड हिल्स ऑफ द शिवालिक, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स इन अर्बन प्लानिंग एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर इन द 20th सेंचुरी इन इंडिया। अगर वहाँ पर पूछा जाए रॉक गार्डन के बारे में, नेक चांद था जिसने रॉक गार्डन को, विच ही कंसीव्ड एंड बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ ए सीजनल रिवलेट ऑन द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ चंडीगढ़, वॉज फॉर्मली इनाग्रेटेड इन 1976 एंड इज दस नो 42 years old। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन इन चंडीगढ़, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर चंडीगढ़ जाते हैं, अगर आप रॉक गार्डन अगर नहीं देखते हो तो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक विजिटिंग प्लेस है जहां आप मिस कर गया। अब बात आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि जून में 1947 में इसको स्टार्ट किए गए थे, वाज एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये किसने, ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट था वो, दैट पार्टीशन्ड इंडिया इनटू द टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। द लेजिस्लेशन वाज ड्राफ्टेड बाय द लेबर गवर्नमेंट, किसने ड्राफ्ट किया था इसको, लेबर गवर्नमेंट ऑफ क्लेमेंट एटली। सो क्लेमेंट एटली के अंडर पे जो भी गवर्नमेंट था उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। अभी पूछा क्या था मुझे नहीं पता, आपके ऑप्शंस में उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनास्टी आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भी कुतुब मीनार कंस्ट्रक्ट किया गया है इन्होंने स्लेव डायनास्टी का, इसी को हम लोग मामलुक डायनास्टी भी कहते हैं, और स्लेव ऑफ द मुस्लिम जनरल एंड लेटर सुल्तान मोहम्मद ऑफ गौर कह सकते हो। अब बात आता है अल्माटी, अल्माटी एक ऐसा चीज़ है जिसे कि रशियन अल्मा अटा कहते हैं रशियन लैंग्वेज में, फॉर्मरली वर्नी सिटी है सदर्न साउथ ईस्टर्न कजकिस्तान। ये अल्माटी जो है कजकिस्तान का कैपिटल है, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कौन सा रिवर था जो कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर था, जैसे कि हम लोग अगर गूगल में सर्च करते हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग तो आप जानते हैं, जैसे कि नर्मदा एंड ताप्ती होता है, जैसे कि यहाँ पे नर्मदा भी यहाँ पे नॉर्थ फ्लोइंग है, और यहाँ पे गोदावरी आप देख सकते हो, और जिसमें जो भी दिया है चंबल सिंध, ये भी नॉर्थ फ्लोइंग है। अगर वर्ल्ड में अगर कहते हैं नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स क्या है, रिवर नाइल है और साथ में वोब है, जो कि वर्ल्ड में देख सकते हैं। अब पूछा क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिए या मैसेज करिए बाय व्हाट्सएप, अगर कोई भी सवाल मिस होता है इस एग्ज़ाम में। बास्केटबॉल टीम जो है कोलोक्वी रेफर्ड एज, कलेक्टिवली आप जानते हैं जो भी बास्केटबॉल टीम प्लेयर्स को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हुप्स कहते हैं। और गिलिवर्स ट्रैवल की किताब ने किसने रचना की गई थी, जोनाथन स्विफ्ट, जो कि गिलिवर्स ट्रैवल की रचना की गई थी। द मेडन एयरक्राफ्ट, सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो है
वो क्या था इंडिया नेवी का, वो है एन एस विक्रांत, जो कि म्यूज़ियम बना दिया गया था डिकमीशन के बाद। अब बात आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC वॉज फॉर्म्ड एंड द फर्स्ट गेम्स वर प्लान्ड इन द ईयर 1896। कहाँ पे हुआ था? एथेंस के अंदर हुआ था, जो कि कैपिटल ऑफ ग्रीस है। वहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस्टेब्लिश किए थे, वहाँ पे गेम्स स्टार्ट किए गए थे। अब अंग्रेज़ी में दिया गया है फाड का मतलब, यहाँ पे क्रेज़ होता है, इंतूजियाज़म होता है। किक द बकेट यानी मर जाना, टू डाई होता है किक द बकेट। इक्विवोकल यानी इंडेफिनेट या ऑब्वियसली एम्बिगुअस होता है ये, और वाग मतलब अनक्लियर होता है, और सैड यानी अनहैप्पी या सोरोफुल और मौनफुल होता है। टू गेट एन एक्स यानी टू हैव ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन को हम लोग टू गेट एन एक्स कहते हैं, अपना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन देना। और अबाउट्स व्यू यानी ऊपर से देखते हैं ना, बर्ड्स व्यू यानी जनरल व्यू फ्रॉम अबाउट कर सकते हैं। और टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी यानी टू यूज़ वंस अंडरस्टैंडिंग होता है, टू ड्रॉ ऑन वंस फैंसी का मेन मतलब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है जीके एंड जीएस का, जिसमें देखते हैं महाजनपदास वर 16 किंगडम्स और ओलिगार्किक रिपब्लिक्स दैट एग्जिस्टेड इन नॉर्दर्न द जैन प्रज्ञपदा रैंक्स अंगास एंड वंगास इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ आर्यन पीपल इन मेंशंस द वजी स्टेट इज इंडिकेटेड टू हैव बीन ए रिपब्लिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वजी स्टेट क्या है, इस महाजनपदास का क्या है, जो कैपिटल है वजी स्टेट है। और द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी में हमने बताया था कि श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब फाउंडर्स भी आपको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। द ओल्ड नेम ऑफ केन्या, पहला केन्या को क्या कहते थे, ब्रिटिश एम्पायर लोगों ने एस्टैब्लिश किए थे, ईस्ट अफ्रीकन प्रोटेक्टोरेट कहते थे। कब? 1895 में, फ्रॉम 1920 नोन एज केन्या कॉलोनी। 1920 से अब लोग क्या कर रहे हैं, अभी केन्या कॉलोनी करके पुकार रहा है, पर ये पहले क्या था, ईस्ट अफ्रीका प्रोटेक्टोरेट कह सकते हैं 1895 में। अब बात आता है वाशिंगटन डीसी, जो भी कैपिटल है यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी कैपिटल है, ये कौन सा रिवर बैंक पे आप देख सकते हो, पोटोमैक रिवर पे आप देख सकते हो, दैट शेयर्स बॉर्डर विद द स्टेट्स ऑफ वर्जीनिया इन द साउथ वेस्ट एंड द मैरीलैंड इन द अदर साइड। द डीसी रेफर्स टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये सवाल तो पक्का आपको आएगा ही, तो देख लेना, ऐसे भी बहुत पूछते हैं। वाशिंगटन डीसी में डीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बेस्ट क्वालिटी आयरन वोर क्या है, हेमाटाइट कह सकते हो, और रॉट आयरन भी, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म अगर देखता है उसमें दिया क्या है आप लोग देखिए, जो कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मोस्ट आयरन वोर अगर दिया है, इंपॉर्टेंट आयरन वोर फॉर द स्टील मेकिंग आर हेमाटाइट, जो कि Fe2O3 है, और मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर उसने वोर पूछा है, जो भी पूछा है, आप लोग उसके हिसाब से आंसर दीजिए। एक ऐसा सवाल था अग्नि मिसाइल के बारे में, आप देख लीजिएगा अग्नि मिसाइल जो भी दिया गया इसमें 1, 2, 3 एंड 4, आप लोग इस पर गौर करिए। आई डोंट डिस्कस, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू वट एवर द क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन। अब बात आता अंग्रेजी में फॉक्स पास के बारे में दिया गया, एन एम्बरेजिंग या टैक्लेस ब्लंडर कह सकते हो, जो भी ब्लंडर कह सकते हो, मिसस्टेप या ब्लंडर कह सकते हो, इसको फॉक्स पास कहते हैं। प्लीज़ प्लीज़ चेक द प्ले लिस्ट, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगा। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से स्पीड टाइम डिस्टेंस के बारे में, परसेंटेज के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सवाल था, एवरेज एंड रेशियो के बारे में था, रेशियो इंक्रीजिंग एरिया इंक्रीजिंग इन स्क्वायर के बारे में दिया गया था, और पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल जो कि रिलेशनशिप के बारे में एक सवाल था। अब नाग आप जानते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, जैसे कि ये किसने बनाया था, DRDO ने इसको फॉर्मुलेट किया गया था, ये ऐसा थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट टाइप का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। नाग जिसने बनाया, कौन, DRDO ने बनाया, आपको पता होनी चाहिए। हेलिना यानी हेलीकॉप्टर नाग होता है, और अलग अलग चीज़ें आप लोगों को इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जो कि इसमें दिया गया है। अब रीजनिंग में कंप्लीशन ऑफ फिगर्स के कंसर्निंग कुछ दिया गया है, और वेन डायग्राम के बारे में, अब C81, E64, G- T36 -25 दिया गया, उसको 49K होता है, जो कि इसमें आना ज़रूरी, K49 होता है एक्चुअली, रिवर्स दिया गया, नो प्रॉब्लम। अर्थ ओशन और सन के बारे में, जैसे कि नीचे देख सकते हो आप, सबसे बड़ा अर्थ में क्या होता है, ओशन होता है, उसके बाद सन अलग होता है, सो एक डायग्राम था। और सेल जो है आप जानते हैं, आटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सेल और टिश्यू, इसका एक रिलेशनशिप है, जो कि सेल टिश्यू के अंदर आप देखने को मिलता है, आटम्स जो है मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मोस मिसाइल भी एक बार देख लीजिएगा, क्या ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि इंडिया और रशिया के बीच में ये बनाया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब लारी बाइक और वैन और ऐसा कुछ था, जिसमें आपको बताना था कि क्या ऑड है, ऑड ये तो मतलब आपको लड्डू है, आप लोग रीजनिंग वगैरह अच्छी तरह से कर लीजिएगा। वेल शार्क डॉल्फिन कॉड,
इसमें जो भी दिया गया, वेल, शार्क, डॉल्फिन और कॉड, इसमें सबसे बड़ा जो है वेल है, जो कि बाकी शार्क और डॉल्फिन का क्या रीज़न है, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें जो भी ऑप्शन था। बस ये कुछ सवाल थे और मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने डालने की कोशिश किया। इस 25 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा आज सेशंस आप देख सकते हो, और आप लोगों को लगता है कि कोई चीज़ मिस हुआ है आप लोग कमेंट कर सकते हो, और जितना हो सकता है मैंने आपको दे दिया विद इन 25 मिनट्स ऑल द सेशंस। तो आप अननेसेसरी हर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल द यूट्यूब चैनल्स एंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ग्रेट लाइफ।